from? There's no menu, just a blue bag. There's no menu. हमने देखा कि आप अमित के इस शोरूम को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और हमने देखा आपकी मम्मा को आपको सभी को बहुत ही पसंद आया, खास करके यहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं यहाँ पे, आप बताइए आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया काम किया दोनों अमित ने, दोनों अमित को जानता हूँ बहुत पहले से, खासकर ये मेरा बाल बना था, आज नहीं बना पाया इसलिए मैं टोपी पहन के आ रहा हूँ। नहीं तो या एनीवेज इट्स अ ग्रेट प्लेस और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि 3-seater, 4-seater, 5-seater और वन ऑफ द बिगेस्ट सैलॉन्स दिस विल बिकम समडे सून, आई एम श्योर। आप बताइए कि आज यहाँ पर इस मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप बताइए कि क्या फील करें टाइगर यहाँ पे आए हैं, पसंद आ रहा है? बताइए। कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ टाइगर सर इधर आ गए जी। दैट्स इट, आई एम वेरी हैप्पी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं और हम लोग हमेशा प्लान करते थे कि वील ओपन अ हेयर स्टूडियो, जो हुआ नहीं, हमने दो फिल्में की साथ में, उसके बाद हमने सोचा कि अभी दिस इज द टाइम, सो वी ओपनड इट एंड दिस इज वेयर इट इज, इट्स अ स्मॉल प्लेस बट इट्स वी हैव पुट आवर रियली लाइक एवरीथिंग इन इट। अच्छा, कल इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है तो जा रही है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? वेरी एक्साइटेड, मैं तो एक्साइटेड हूं बिकॉज़ मैंने उसके ऊपर काम किया है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज़ मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही अच्छी लग रही है, इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट ऑब्वियसली आई एम फैन ऑफ हिज डांसिंग एंड हिज एक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, सो बहुत एक्साइटेड हूं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इसके लिए आया हूं, मेरा भी आरओ है। कुछ ही घंटे रह गए आपकी फिल्म को रिलीज होने में, हमने देखा बहुत सारी मेहनत की गई, प्रमोशन किया गया, आप बताइए फिल्म रिलीज होने से पहले नर्वस हो आप? अंदर से फट रही थोड़ी सी, पर खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनत की हम सब ने और आई थिंक प्रोडक्ट को लेकर हम सब काफ़ी खुश हैं, तो देखते हैं। आज एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ मूवी, तो देखते हैं कल आप देखोगे, फिर आप बता दो मुझे व्हाट यू फेल्ट। Thank you.
अमित ही सबसे पहले जानना चाहिए। अमित, अमित का ये कैसा लगा आपको ये शोरूम? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा इंटीरियर किया, इतने टैलेंटेड है ये दोनों भी। अमित के साथ में तो मैं इतना जाती हूँ, ये टाइगर का एक बाल नहीं हिलने देता है, यू नो। और ये अमित के बारे में मैंने इतना सुना है, ये जो अमेजिंग हेयर स्टाइल्स देख रहे हो यहाँ पे, सब इन दोनों ने किए हैं, वेरी टैलेंटेड, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आके। अमित, जब इस तरह से कमेंट्स मिलते हैं कि टाइगर का एक बाल भी है, टाइगर टाइगर कि तब क्या कुछ फील करते हैं आप लोग? ब्यूटीफुल निधि जब इस तरह से कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, इतनी मेहनत करने के बाद ये सब सुनने मिलता है। बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स अप्रिसिएशन के लिए ही सब कुछ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है सबसे, एक्टर से मिलता है, सबसे मिलता है, फ्रेंड्स से मिलता है, फैमिली से मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो एक्टर्स होते हैं, हम लोग तो जाते हैं, लेकिन बाल वगैरह सब कुछ सेट रखना, इन लोग ही मॉनिटर पे जाके देखते हैं, तो दे वर्क इक्वली हार्ड बिकॉज सेट पे हमेशा रहते हैं, धूप में करो, ठंड में करो, बारिश में करो, दे ऑलवेज है, तो इन लोग भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ओके निधि, अगर हेयर स्टाइल के अगर बात करें तो किस टाइप्स के आप बालों को मतलब देखते? किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट को मेरे साथ में इतना काम नहीं करना होगा क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती ज़्यादा, मुझे बस बिग वेव्स, मेरे बाल बहुत स्ट्रेट है तो मुझे बस थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, और बस उससे मैं खुश हूँ। और क्योंकि अब आपकी फिल्म कुछ ही घंटे अब रह गए रिलीज जी, ये सब बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ये उनका कहना है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये सब जाने वाले हैं, तो आप बताइए कि अब कुछ ही घंटे रिलीज होने को रह गए, तो बहुत ही नर्वस हूँ। पहले एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, अभी तो सिर्फ नर्वसनेस ही है बाकी। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम पिक्चर देखने जा रही हूँ, कुछ आइडिया नहीं है क्या किया है, कैसी दिखेगी, हमने में से किसी ने भी नहीं देखी है, तो पहली बार देखेंगे, पता चलेगा। बट आई होप कि सब लोग आए 21st जुलाई, ऑफकोर्स, और देखें मुन्ना माइकल जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।